राजस्थान, यानी अपनी आन बान और शान के साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाने वाला भारत का एक समृद्ध प्रदेश। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। राजस्थान भी इस तरक्की से जुड़ा, जिसकी साक्षी है यहाँ संचालित होने वाली विभिन्न परियोजनाएं और उन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड निवेश। राजस्थान में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, कोयला, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। भगत की कोठी स्टेशन में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का अनुरक्षण कार्य, हनुमानगढ़ में ट्रेन कोचिंग डिपो, आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल खंड का दोहरीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षण की सुविधा, बीकानेर में एनएलसी का 300 मेगावाट बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH-148N तकली नदी के ऊपर बना मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH-148N मेज नदी पर मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH-148N मुई गांव के पास। इन परियोजनाओं से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा को दिल्ली, वडोदरा और मुंबई के मेट्रो शहरों से सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। देबारी में NH-76 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का निर्माण, बीकानेर पीजी फतेहगढ़ 2 और भादला 2 में RE परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम, SEZ 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, PGCIL के तहत 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, CPSU की 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जोधपुर LPG बॉटलिंग प्लांट, जोधपुर फलौदी रेल विद्युतीकरण, बीकानेर रतनगढ़ साधुलपुर रेवाड़ी रेल विद्युतीकरण, जोधपुर राय का बाग मेड़ता रोड बीकानेर रेल विद्युतीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल, 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर प्रोजेक्ट। इन लाभकारी परियोजनाओं से न सिर्फ राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अपार अवसरों का भी सृजन होगा।